अपने इस कार्यक्रम में, क्योंकि हम लोगों की आज वर्षगांठ है और हम आज पिछले एक साल के बाद इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इस एक सालों के दौरान बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और बहुत सारी सीढ़ियों को पार करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जिसको एक सफलता का आधार कहा जा सकता है। इस दौरान बहुत सारी चीजें अचीवमेंट्स हमारे साथ हुई हैं और आज हम आप सभी लोगों के साथ अपनी उन सारी अचीवमेंट्स को, उन सारी चीज़ों को शेयर करेंगे। यहाँ बैठे सभी लोग हमसे कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, एज अ पेशेंट, एज अ गेस्ट, किसी न किसी तरीके से हमसे जुड़े हुए हैं। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हमें इस कार्यक्रम के दौरान बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। जो लोग पेशेंट हैं, एक्सपर्ट्स के माध्यम से उनको बहुत सारे संदेश भी मिलेंगे और कुछ और चीज़ें जानने को मिलेंगी जो अभी तक आप नहीं जान पाए थे। अभी मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी एक वेलकम स्पीच से, जिसमें हमारे विशिष्ट अतिथि जो हमारे संस्थान के डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, वो भी आएंगे और एक वेलकम स्पीच के बाद हम अपने इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोग तो उनसे परिचित होंगे, वो बेसिकली नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं और आयुर्वेद के क्षेत्र में पिछले 15 सालों से हैं और हम सभी लोग उनसे अच्छे से परिचित हैं। पर आज सब आप उनकी एक स्पीच प्रॉपरली जो है आप कह लीजिए कि वो हमें सुनने का मौका मिलेगा, तो मैं चाहती हूँ आप सभी लोग मेरी मदद करें उनका स्वागत करने में और उनको यहाँ पर बुलाएं। डॉक्टर बी के चौरसिया। सभी को नमस्कार। आज एक साल और पूरा हुआ, हमारा एक वर्षगांठ है, आप सभी को पता है। और थोड़ा सा दिन ऐसा पड़ा जिसमें बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, बहुत से लोगों का फोन भी आया कि सर प्रतिपक्ष है और यहाँ व्यस्त है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन फिलहाल जो भी लोग हैं, इन आप लोगों के साथ एक चीज है कि जो भी सिचुएशन रही, बहुत लोग नहीं आ पाए, लेकिन आप लोग सब परिस्थितियों को हटा के फिर यहाँ पहुंचे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग के लिए क्लिपिंग हो जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। मैं यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करूंगा कि हमारे सीनियर डॉक्टर हमारे गेस्ट यहाँ उपलब्ध है, कुछ वो आपको जानकारियां देंगे, हमारे और डॉक्टर्स यहाँ उपलब्ध है जो कुछ और जानकारियां देंगे जो आपके हेल्थ और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगी, ठीक है। क्योंकि इस प्रोग्राम को हम लोग इसी तरह मनाएंगे, हमारा मुख्य लक्ष्य है अपने रोगियों को, पेशेंट्स को आराम देना, रिलीफ करना, हम उसी लक्ष्य की ओर काम करेंगे, ठीक है। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट में कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ आंकड़े बताऊंगा हमने क्या किया है पिछले एक सालों में, क्या नई अचीवमेंट्स हमारी नहीं है, मैं इसकी चर्चा करूंगा और फिर दोबारा हम मिलेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि से, ठीक है, जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। तो मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा लास्ट वन ईयर में क्या नई अचीवमेंट्स पीके आरोग्य ने की है। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इस साल में तकरीबन 2000 से अधिक मरीजों का उपचार हमने किया, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर ब्रांच का मैं आंकड़ा बोल रहा हूँ, ओवरऑल आंकड़ा बड़ा है, मैं इस पर्टिकुलर सेंटर की बात कर रहा हूँ कि लगभग 2000 मरीज यहाँ पर इलाज के लिए आए, उनका इलाज हुआ, जिसमें से तकरीबन 80% मरीज किडनी से रिलेटेड थे, ठीक है, किडनी फेलियर या किडनी से जुड़ी और समस्याओं से, और लगभग 20% का रेशियो था वो अदर पेशेंट थे जो गंभीर रोगों से ग्रसित थे, लाइक कैंसर, लाइक हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज या अन्य समस्या, और ये सभी गंभीर स्थितियों में थे। दूसरा चीज जो एक साल में हमने किया वो ये है कि हमारे दो नए सेंटर्स स्टार्ट हुए, एक शुरू हो चुका है और दूसरा इसी नवरात्रों से हम प्रयास कर रहे हैं कि शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी एक शिकायत में मिलती थी पेशेंट्स की कि जिन पेशेंट्स को एडमिट प्रोसेस के लिए जाना होता था, ठीक है, इसको बोलते हैं भर्ती के लिए, तो पहले उनको यहाँ से कुछ दूर एक शहर है मिर्जापुर, वहां जाना पड़ता था, ठीक है। तो इसी अवसर पर मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा कि हमारा अभी शुरुआत में करीब 25 मरीजों की व्यवस्था वहां पर है, 25 पेशेंट्स की आवासीय व्यवस्था के साथ, यानी कि ट्रीटमेंट्स और रहने खाने की व्यवस्था के साथ हमारा एक नया सेंटर जस्ट शुरू होने जा रहा है आपके वाराणसी शहर के अंदर, अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ और चीजें हमने इस एक साल में की, सबसे पहली जो हमने एक चीज की कि जो हम रिसर्च के तहत काम करते हैं पेशेंट्स के लिए, तो एक रिसर्च कॉन्सेप्ट पर हमने वर्किंग करना शुरू किया, ठीक, और एक पर्टिकुलर सिस्टम पे हम लोग काम करते हुए अपनी रिसर्च बुक को तैयार कर रहे हैं, ठीक है।
हमारे साथ में हमारे संरक्षक हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, जिन्होंने इसमें सहयोग किया। अभी हम उनसे मिलेंगे, उनके सहयोग से हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें हम अपने पूरे काम को एक पर्टिकुलर सिस्टम के तहत आपके सामने रखने वाले हैं। मैं इसको समझाने के लिए एक बात आपको बताऊंगा। अभी आप में से जितने पेशेंट यहाँ बैठे हैं, कुछ का इलाज हो रहा है, कुछ का हो चुका है, अभी आप आपस में मिलेंगे, क्योंकि अभी तो आप आते हो जब पेशेंट यहाँ चले जाते हो। आज मैं आपको स्टेज पे बुलाऊंगा, बारी बारी से अपने अपने अनुभव को शेयर करेंगे, किसने क्या इलाज किया, उसको क्या फायदा हुआ, ये चीजें होंगी यहाँ पर, तो आप लोग अच्छे से दूसरे को जान पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इलाज आपका चल रहा है ये मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल है। आपको बताए ना, यहाँ जितने पेशेंट बैठे हैं लगभग सारे लोग अलग अलग अस्पतालों में, बड़े बड़े अस्पतालों में लाइक पीजीआई में, एम्स में या और जगहों पर इलाज करवा के थक चुके थे। डॉक्टर्स ने कहा था आपकी समस्या का इलाज होना संभव नहीं है, ठीक। ये बात तो लगभग कॉमन है सभी लोगों, सही बात है, ठीक। अब अगर मैं कहता हूं कि आयुर्वेद में किसी की किडनी अगर डैमेज हो चुकी है तो फिर से मिट्टी हो सकती है, ठीक। मैं अगर ये बोलूं कि ये कैंसर जैसा रोग ठीक हो सकता है, किसी पेशेंट की इंसुलिन लगती है वो 10 दिनों में नॉर्मल की जा सकती है, ठीक है। किसी का हार्ट प्रॉब्लम अगर है, ब्लॉकेज हो चुका है 90%, उस ब्लॉकेज को रिमूव किया जा सकता है, ठीक, और बिना बाईपास सर्जरी के किसी को नॉर्मल बनाया जा सकता है। ये कुछ बातें हैं जो असंभव लगती है, ठीक भाई। कहने वाला या तो फ्रॉड होगा, बड़ी बातें कर रहा है, और या तो फिर चमत्कार की बातें हो रही है, दो में से एक है, तो चमत्कार या फ्रॉड है, क्योंकि ये मेडिकल साइंस कहता है पॉसिबल ये नहीं है, इसकी चिंता से पॉसिबल नहीं, लेकिन हम पिछले बहुत सालों से इसको कर दिया है, ठीक। हमारे सीनियर डॉक्टर डॉक्टर सीपी झा यहाँ मौजूद हैं, आपसे मिलेंगे, उन्होंने हमें ये सलाह दी, हमें राय दिया, गाइडलाइन किया कि आप इन चीज़ों को एक प्रॉपरली सिस्टम में लेके आओ, मेडिकल रिसर्च के तहत लेके आओ, इसकी पूरी डिटेल्स तैयार करो, ताकि आप इस चीज़ को लोगों को, संस्थानों को और पूरे दुनिया को दिखा सको कि हाँ यार ये आयुर्वेद में पावर है, ये शक्ति है, ठीक है। तो इन दौरान जो हमने काम किया, हम सारे सिस्टम को ऑनलाइन सिस्टम पर काम करते हैं, और आपके सारे रिकॉर्ड और डेटा जो भी आपको रिलीफ मिल रहा है, इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, ठीक, उसको हम पूरा एक सिस्टम में तैयार करते हैं, ताकि हम ये क्लिनिकली दिखा सके कि हाँ आयुर्वेद वर्क करता है, और इस तरह वर्क करता है कि जहाँ सारी प्रक्रियाँ फ्लॉप हो जाती है वहाँ भी ये काम कर सकता है, ठीक। तो इसमें आप लोग का सहयोग है, क्योंकि आप ही लोगों को तुम ठीक करके और उस रिसर्च को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो इस साल का हमारा अचीवमेंट रहा कि हम इस पर्टिकुलर दिशा में हमने काम करना शुरू कर दिया है, ये हमारा इस साल का अचीवमेंट है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे हमारी अपनी नई फार्मेसी हमारा सालों से रन कर रहा है, लेकिन GMP यानी कि गुड प्रैक्टिस के अंतर्गत, यानी कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, एक पर्टिकुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको अपनी फार्मेसी चलानी पड़ती है। आप सबको शायद पता होगा, एक बार न पता होगा बताना चाहूँगा कि जो औषधियाँ आप लोग यूज़ करते हैं ये औषधियाँ मार्केट की नहीं होती, ये तो आप सब जानते हैं। पर्टिकुलरली आपके हिसाब से, आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग हम लगातार काम करते रहते हैं, और इन औषधियों को हम अपनी फार्मेसी में खुद बनाते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रॉबली अधिकांश मेडिसिन हम बनाते हैं, जो मेडिसिन हम नहीं बनाते, कुछ ऐसी मेडिसिन जो हम बाहर से लेते हैं, वो ना मोस्ट प्रॉबली मेडिसिन, और खासतौर पर गंभीर रोगों से संबंधित मेडिसिन जो कि नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलती है, हम खुद तैयार करते हैं, ठीक। तो अभी ये अगली जो हमारा अचीवमेंट इस साल कर रहा है वो ये है कि अभी तक हम अपने फार्मेसी में इसको करते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट की जो रूल है गुड मेडिकल प्रैक्टिस GMP, शायद नाम सुना होगा, ठीक। तो GMP सर्टिफिकेट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमारा नया फार्मेसी तैयार हो चुका है, और वो अब इसी नवरात्र से अपनी ऑपरेशन से रनिंग को स्टार्ट करने वाला है, यानी कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वो प्रोडक्ट्स जो हम पेशेंट को देते थे, अब उन प्रोडक्ट्स को हम इंडिया और इंडिया के बाहर इंटरनेशनल लेवल पे भी पेशेंट्स को दे सकते हैं, और पूरी दुनिया के पेशेंट्स को हम सर्व कर सकते हैं। ये इस साल का हमारा एक बड़ा अचीवमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हमने इस साल की, इस पर्टिकुलर एक साल में, जैसे पेशेंट्स के प्रॉपर ट्रीटमेंट का जो मेथड है, आपके इलाज का जो तरीका है, ठीक। डाइट पर हमारी नई बुक आने वाली है, बहुत सारी दिक्कत होती है आपको खाने पीने में, ठीक है। और अधिकांश पेशेंट की शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत परहेज करना पड़ रहा है, और कब तक हम सब कुछ खा पाएंगे, ठीक। अब कब तक खा पाएंगे तो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल हम क्या खाएं जो टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो, ठीक। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, ये कैसे है, वो कैसे, वगैरह वगैरह। आप इसके लिए इस साल का हमारा अचीवमेंट और है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारी
एक अलग और नई साइट है, वेबसाइट, ठीक है, जिसका नाम है किडनी केयर, bkkidneycare.in, ये नाम आप नोट कर सकते हैं। अभी के पहले हमारा अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है bkavagyam.com, जहां पे हम अपने रिसर्च वर्क के बारे में बात करते हैं, लेकिन सिर्फ किडनी पेशेंट्स के लिए। किसके लिए? किडनी पेशेंट्स के लिए एक अलग साइट हमने तैयार की है, जिसका नाम है bkkidneycare.in। यानी आप अपने घर में अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर भी जाके किडनी के बारे में समस्या क्यों होती है, किस तरह होती है और किस किस प्रॉब्लम की वजह से क्या समस्या होती है, क्या हमें परहेज करना चाहिए, क्या खान पान करना चाहिए, ठीक, यहाँ तक कि आपको रेसिपी बुक को मतलब खान पान आप कर सकते हो, हमारे बारे में सारी जानकारी, किडनी के बारे में, रोगों के बारे में पूरी जानकारी आप इस साइट से ले सकते हो, ठीक। यानी कि अगर मान लो आपको कोई सलाह चाहिए तो डॉक्टर अगर उपलब्ध नहीं है तो आप वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हो। खैर, ये आज से 10 साल पहले एक मुश्किल चीज था, लेकिन आज हर आदमी के हाथ में एक एंड्रॉइड फोन है, तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल टूल है जो हमने इस साल तैयार किया है, ठीक। और अब हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, ऑलरेडी स्टार्ट है लेकिन इसको हम ऑफिशियली लॉन्च करने जा रहे हैं। एक और चीज हम करने वाले हैं इसके साथ में, हम एक एप्लीकेशन यानी कि ऐप तैयार कर रहे हैं। ऐप सोचते हो? ऐप का आइडिया है, ऐप क्या होता है, कितने लोग यूज करते हैं ऐसा स्मार्टफोन, कितने लोग पास है? चलो, आप जब जाते हो तो OLX या जस्ट डायल या जो भी इस तरह की चीजें हैं आप ऐप डालते हो, ठीक है, और कुछ भी दिक्कत हो तुरंत क्लिक करते हो आपको जानकारी मिल जाती है। इस तरह का एक ऐप हमने तैयार किया है, वो ऐप आप सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। उस ऐप की कॉस्टिंग है, यदि इसका एक चार्ज लगता है, लेकिन ये आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। उसके तहत आपको जो मान लो डॉक्टर से आपको मिलना है तो आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्लिक करोगे, डॉक्टर का डिटेल आएगा, आप अपना टाइम डाल के क्लिक करोगे, अपने आप आपका अपॉइंटमेंट रख जाएगा, ठीक है। आपको कोई जानकारी चाहिए आपके लिए अलग कस्टमर केयर ऐप क्लिक करोगे, सीधे आपके डॉक्टर से बात हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो भी और मैंने बताया हेल्थ संबंधी इन्फॉर्मेशन है, खाने पीने का या बाकी और जो जानकारियां हैं आपकी दवाओं के बारे में, दवाइयां कैसे खाएं, डॉक्टर का जो परामर्श है ना, यहाँ तक कि जो और कई सारी नई जानकारियां हैं वो इस ऐप से आपको अपने आप मिलती रहेंगी। तो ये भी हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और अभी आने वाले समय में हम आपको ये ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक साल का इस साल का हमारे प्रयास है जो हमने नया किया है, बाकी तो हम लगातार करते आ रहे हैं तुम्हारा रिसर्च वर्क, ये साइट और ऐप। इसमें एक चीज और हमने ऐड की है, एक दिक्कत आती है लैंग्वेज को लेकर कि सर जो भी वेबसाइट वगैरह होती है इंग्लिश में होती है, हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक। तो हमने इस पेपर ध्यान में रखते हुए इस पे हिंदी लैंग्वेज का ऑप्शन डाला है, यानी जो भी जानकारियां हैं वो आप हिंदी में पढ़ सकते हो, ठीक है। जो भी कुछ है गाँव के बारे में, खान पान के बारे में, वही सब जानकारी जो है वो सब कुछ आप हिंदी में पढ़ सकते हो। हर जगह आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक इंग्लिश और हिंदी, तो आप जिस भाषा में पढ़ना चाहें उस भाषा में जानकारी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने प्रॉपरली आपके लिए प्रोवाइड किया, ठीक है। कुछ और भी चीजें हैं जो हम कर रहे हैं, पाइपलाइन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, उसको हम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे, हम एक और ऐप लेके आ रहे हैं। ऐप मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे ऐप क्या होता है, मोबाइल ऐप। तो हम एक नया ऐप लेके आ रहे हैं, ठीक है, आयुष नाम से। ये एक पहला हेल्थ ऐप है जो आयुर्वेद पे बेस्ड है, ठीक। आपका डॉक्टर आपके पॉकेट में होगा, ये कॉन्सेप्ट है इस ऐप का जो हम लेके आने वाले हैं, ठीक। इस पे तैयारी चल रही, काम चल रहा है। इस ऐप के तहत हम जो भी आपको दिक्कत है, मान लो आपको बुखार की दिक्कत है, आपको खांसी आ रही है ना, आपको जुकाम है, या कोई चोट लग गया, ब्लड आने लगा, या कुछ भी है, यानी खांसी से लेके कैंसर तक कुछ भी समस्या अगर आपको होती है, ठीक, आप क्या करते हो, डॉक्टर पास जाते हो, पहले टालते हो उनको ठीक हो जाएगा, उनको थोड़ा सा और है ना कुछ देर रुक जाओ, खांसी आना ठीक हो जाएगा, कुछ गर्म पानी पी लो, लाइक टाइम पास है ना। जब दिक्कत बढ़ती है तब पास डॉक्टर पास जाते हो, ठीक। गांव देहात के लोग जाते हैं झूला के पास में, कुछ अनबन दे दिया, किडनी खराब हो, जो आपके साथ हुआ है सर, अधिकांश किडनी तो खराब हुई है, ठीक, कुछ खा लिया सर दवाई चली गई, अच्छा चलो नहीं हुआ, दिक्कत ज्यादा बढ़ी तब भाग के आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास, ठीक है। अभी यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र आएंगे, अभी चर्चा करेंगे एलोपैथी मेडिसिन के बारे में,
भाई आप इलाज करवाने गए भी इलाज में तो एलोपैथी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स और चार चार हुआ आपको इंडिया में 90% लोग रोगी हैं। तो इस ऐप का पर्पज ये है कि आपके पास ये होगा, आपके जेब में होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये ऐप देगा, उसका कोई चार्ज उसे नहीं है। आपको कोई दिक्कत हुई, आपने उस बीमारी का नाम डाल खांसी, आप उस बीमारी का नाम डालने के बाद उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी आपके मोबाइल पर। फिर उसमें चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, ABCD। ए घरेलू उपचार, इस बीमारी में घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं, ठीक। तो आपको जरूरत नहीं कि आप हर बीमारी के डॉक्टर के पास ही जाए, ठीक है। उस बीमारी का जो घरेलू उपचार है उसका पाइडिया मिल जाएगा, वो आप उपचार घर करके ठीक हो। आपको लगा नहीं दिक्कत ज्यादा है, घरेलू उपचार से काम नहीं चलेगा, घरेलू उपचार समझते हो है ना, जो नॉर्मल आसान शुरुआती स्टेज के उपचार होते हैं, तो उससे आपने क्योर कर लिया, लगा नहीं यार इससे काम नहीं हो रहा है, तो बी में आप लिख लीजिए। बी में क्या होगा कि उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए जो आपको है, जो आप उसमें देख रहे हो, उसके लिए आपको क्या क्या दवाएं फायदेमंद है, ठीक। आप डॉक्टर मिलना नहीं चाह रहे हो तो आयुर्वेद दवाई की लिस्ट आ जाएगी, आप क्लिक करोगे, ठीक, अपना डिटेल डालोगे, वो दवा आपके घर पहुंच जाएगी, ठीक है, किसी भी रोग के। अब वो दवा आपके घर पहुंच गई, आपने उसको सेवन किया, ठीक हो। आयुर्वेदिक है तो कोई नुकसान का चांस नहीं है कि अपने से मंगा रहा तो रिएक्शन कर जाएगा, साइड इफेक्ट हो जाएगा, ठीक। आपको लगा नहीं यार इससे मजा नहीं आ रहा है, डॉक्टर से राय लेते हैं, तो सी ऑप्शन क्लिक किया आपने, उसी बीमारी की। सी में क्या मिलेगा, डॉक्टर का डिटेल रहेगा, क्लिक करोगे जो उस बीमारी का एक्सपर्ट डॉक्टर होगा उसके पास आपका पहुंच जाएगा, ये सर्विस फ्री होगी, कोई चार डॉक्टर नहीं लेगा, और फोन करके समस्या समझ के वो आपको बताएगा ये दवाई खा सकते, ठीक। वो दवाई आपके घर हो सकती है, चाहे तो आपके लिए। आपको लगा नहीं यार दिक्कत बहुत ज्यादा है, इस उससे काम नहीं चलेगा, तो आपने डी ऑप्शन चूज किया। डी में क्या होगा, डॉक्टर के साथ आपका अपॉइंटमेंट लग जाएगा, डॉक्टर की लिस्ट आएगी, जो आपके एक्सपर्ट डॉक्टर आपके समस्या के लिए आपके पास में होंगे, ठीक है। तो आप जहां रहते हो उसके पास के जो एक्सपर्ट आए डॉक्टर होंगे, जो साइड होंगे आपसे, उनका लिस्ट आ जाएगा, क्लिक करोगे उनके आपका नंबर मिल जाएगा, आप जाके उनको दिखा सकते, ठीक है। और जो हमारे पेशेंट्स हैं जिनके पास आपका कार्ड है, ठीक है, उन लोगों के लिए ये सुविधा फ्री होगी, यानी डॉक्टर को फ्री में दिखा भी सकते हैं। नाम लोगों के लिए डॉक्टर की फीस देनी हो, आप लोगों की फीस देनी नहीं होगी, आप चाहिए दिखाइए दवा लेके चले, ठीक है। तो अभी बाकी लोगों को फायदा होगा, किडनी पेशेंट को खास फायदा इसलिए होगा क्योंकि बीच में किसी को खांसी जुकाम बुखार टाइफाइड मलेरिया कुछ होता है और मजबूरी में गलती से आप अंग्रेज दवाई खा लेते हो तो दिक्कत बढ़ जाती है, ऐसा हुआ है साथ में। तो जब आपको पता होगा आपके पास सिस्टम होगा, फिर आपको अपने एरिया में ही आपको दिखा सकते हो जो दवाई, तो मोटी मोटी आप समझो कि किसी को कुछ भी दिक्कत हो ABCD आपका उपचार है, ठीक। ए में आपने घरेलू उपचार लिया, बी में आपने डॉक्टर से सलाह लिया, सी में आपने दवाइयाँ मंगा ली अपने घर पे, और डी में डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। ये ऐप हम ऑलरेडी लेके आने वाले हैं, आयुर्वेद के में पहली बार ऐसा सिस्टम आने वाला है जो हम लेके आ रहे हैं, ठीक। तो ये स्क्रीन रूप पे काम पिछले चार महीने से काम कर रहे हैं, अगले महीने हम इसको लेके आ जाए तो हम इस साल की अचीवमेंट जो हमारा बीता है हम मान सकते हैं कि अचीवमेंट में जो हम आपके लिए लेके आए, ठीक। बहुत सारी लंबी लिस्ट है, बहुत सारी बातें हैं, अब समय आपका है, कल हम बातें हम कर नहीं पाएंगे, तो कुछ महत्वपूर्ण जो नीच की हमने शुरू की या कर रहे हैं हमने आज चर्चा की। एक और लास्ट में बात करना चाहूंगा, जो आज के प्रोग्राम का मुख्य आकर्षण है, जो आज हम करने वाले हैं उस प्रोग्राम का नाम आप उसे जानते हैं लेकिन आज स्पेशली हम आपके लेके आए हैं, उसका नाम है लॉयल्टी प्रोग्राम। कार्ड है आपके, एक कार्ड मुझे बस डिस्प्ले।